इसमें हमारा छत्तीसगढ़ में सेक्रेटरी हमारे सेक्रेटरी की यहाँ एक कार्य गोष्ठी थी, हम गए थे, दो मुद्दे पर बातचीत हुई जो अपन प्रेजेंट करेंगे। उसमें जो है ना, जो ये जो पारंगत हो सकते हैं कि केवल प्रमाण नहीं हो सकते हैं, पारंगत होने के बाद परम प्रमाण होना चाहिए, ऐसा तर्क आता है। तो उसने बताया, उसमें वह बात पूछा सेक्रेटरी ने हमसे, यह हम वेतन भोगी प्रमाणित हो सकते हैं कि नहीं। मैंने कहा ये नहीं हो सकते, आप हम क्या हो सकते हैं, प्रेरक हो सकते हैं। अभी प्रेरक होने वालों को हम तैयार कर रहे हैं, हम प्रमाणित करने वाले के रूप में छत्तीसगढ़ की सरकार को तैयार नहीं कर रहे हैं। समय था प्रेरणा दीजिए, अपने हैसियत को क्लियर के बिना प्रेरक नहीं हो सकते, अपने को छुपा करके प्रेरक तो कोई होगा नहीं। वो तो बिल्कुल ठीक बात है बाबा, अपना यथास्थिति को कहा जाए, ऐसे ज्यादा अच्छा हो सकता है। हम झोपड़ी में रह करके भी महल बना सकते हैं, आप ऐसे आप प्रेरणा दे सकते हैं। ठीक बात है, ये बात हो चुकी। ये पारंगत होने का क्या वो है? आप स्वीकार लिए, पर स्वीकारना तो जीना ही होता है एक तरह से। और कौन सा होता है, वो तो उसी के लिए तो जीवन ज्ञान को हाईलाइट कर रहे हैं। नहीं बाबा, जैसे दो आप बोल रहे हैं ना, पारंगत होना प्रमाणित होना, दोनों अलग है। प्रमाणित होना दूसरे के साथ है, पारंगत होना स्वयं के साथ है, ये तो स्पष्ट है भाई। नहीं तो स्वयं के साथ है तो स्वयं के जीने में भी होना, पारंगत होना स्वयं के साथ है, उसके बाद होता है जीना। जीने में जितना हम अपनाते हैं अपनाते हैं, नहीं अपनाते हैं नहीं अपनाते हैं। तो जीवन क्रियाओं के रूप में अगर देखेंगे तो ये पारंगत होना कहाँ की स्थिति है, साक्षात्कार की स्थिति है कि नहीं है? अनुभव का पारंगत होना अनुभव ही है। तो आप कह रहे हैं अनुभव के बाद भी वो चुनेगा कि मैं अपने, वही तो बात है, उसको अच्छी तरह से अभी समझो। पारंगत होना के पश्चात भी अनुकूल परिस्थिति होने पर ही हम प्रकट हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। अभी देखो जो प्रकृति जो है, धरती को, धरती अपने धरती में का वातावरण अपने में जैसा कार्यक्रम बनाया था वो बदल दिया कि नहीं? वो कहीं का बदला है? मानव नहीं हस्तक्षेप किया, मानव ने हस्तक्षेप किया, मानव ने हस्तक्षेप किया, बदल गए, इतनी बात है। ऐसे ऐसे प्राकृतिक रूप में जो नियम है या मानव के रूप में नियम है, बात यह बात अच्छी, उसमें जो है ना विज्ञान का स्वीकारना है, मानव का जो नियम है मानव का खोपड़े में, ऐसा शुरू करते हैं, मानव तैयार करता है, ठीक है, नियम, उसके बाद क्रॉस चेक करते है यंत्र से, यंत्र से वो नियम दे दी प्रमाणित होती है, उसको सिद्धांत मानते हैं, ऐसा तो हमको बताया गया है, यही ना बात है, उसको अच्छी तरह से समझो। नहीं वो ठीक है, वो आप, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि ऐसा कह रहे हैं आप, वे को कई बार ये बता चुके हैं। हाँ, वही पर विज्ञान ऐसा पूरी तरह से ऐसा नहीं कहता है, विज्ञानी की बात पता है, विज्ञान क्या बताता है, हम कहाँ विज्ञान पढ़ा। हाँ ठीक है, किसी विज्ञानी ने आपको ऐसा बताया, आप किसी विज्ञानी ने ऐसा बताया, उसमें आपका क्या कहना है पूछ रहे हैं। वो जो आप कहते हैं कि विज्ञान पॉइंट में एक है, दूसरा भी सुनाया हो तो प्राण कोशिकाएं गलती करते हैं, वो एक मॉडल बन जाते हैं, ऐसा ये विविध होने के कारण मैं वो बताते हैं। हम तो दूसरे ढंग से बताते हैं, वो आप तो सुन रहे हैं बात ऐसी। तो ये जो बात हो रही थी कि पारंगत हो गए तो समझना एक अलग चीज है, प्रमाणित करना अलग चीज है, समझना दृष्टापद में होता है और प्रमाणित करना जागृति, ऐसा स्पष्ट किया अपने विधा में तो हम पूरा है। एक सेकंड बाबा, दृष्टापद भी अनुभव युक्त, अनुभव का ही स्वरूप है, नहीं का ही स्वरूप है या अनुभव है? अनुभव है, अनुभव के बाद ही दृष्टापद होता है, उसके पहले होता ही नहीं। ठीक है, अच्छा, अरे अनुभव हो गया वो प्रमाणित करना लोगों के, मानव के साथ है, व्यवस्था के साथ है, शिक्षा के साथ ही है, ठीक है, अभी हम शिक्षा को पकड़ लें,
अपन जो है ना। नहीं हम सब पकड़ लिए, मैं तो वो समझना चाह रहा था कि पारंगत होने के बाद भी आदमी प्रमाणित क्यों नहीं होगा। प्रमाणित सब कोई होते नहीं है, क्योंकि व्यापार करने वाला क्या प्रमाणित करेगा। समझ सकता है व्यापार करने वाला भी, समझ मतलब अनुभव कह रहे हैं, अनुभव कर सकता है। अनुभव करने के बाद अपना आत्मशोध होने लगता है, आत्मनिरीक्षण करता है, स्वयं स्वनिरीक्षण की बात करता है, स्वनिरीक्षण को देखता है तो ये हम योगी नहीं है प्रमाणित करने की, यहाँ आ जाता है। इसमें क्या किसको क्या तकलीफ, हम ही है देखो। हम जब 75 में इसको पाए, हमारे पास जो है ना समाधान तो आ गए, समृद्धि नहीं रहा। समर्थ होने के लिए क्या करना है, उसके लिए हम डिजाइन बन रहे हैं। उसमें हमारा 5 वर्ष लगा। 5 वर्ष में हम अपने को उससे समृद्धि समाधान सहित हम प्रस्तुत करने योग्य हुए। मैं अपने में अकेले में कह रहा हूँ, बताइए। उसमें कृषि और गौ सेवा को बुलंद किया, बुलंद किया तो काम हो गया हमारा। उसके बाद धीरे धीरे ये आयुर्वेद के काम को भी साथ में जोड़ा, साथ में जोड़ा तो ये बहुत बहुत ज्यादा काम कर गए। अभी जो जितने भी ये गाड़ी घोड़ा दिखता है आपको, वो क्या है, हम जो असाध्य रोगों को ठीक किए हैं। वो कुछ ठीक होने के बाद हम तो पैसा ले लेते हैं, काम कर देते हैं, हमारा श्रम के पैसा दे देते हैं। और उसके बाद जो है ना उनको ऐसा संतुष्टि नहीं होता, हम इनको पूरा नहीं दिए। एलोपैथी से कराते तो इतना पैसा होता, उतना पैसा होता, हमसे आगे सोचने वाले बैठे। ऐसे लोग लटक जाते हैं। अभी भी दो लोगों के साथ अभी भी डिस्कशन है। तो ऐसे ऐसा हो करके उसी में से वो किताब को छपाना होगा या गाड़ी घोड़ा होगा। गाड़ी घोड़ा में थोड़ा सा ये था, क्या नाम है, अंजनी परिवार काफी मान लगा है। उसमें किताब छपने में वही काम किया, उसमें 12 लाख रुपया लगा। अभी 7 लाख रुपया कैश हो गए हैं, 5 लाख रुपया की किताब रखा है। उसमें वो तय किया है, उसमें कोई लाभ होता है वो अचोटी में जीवन उदय कार्यक्रम में लगाए। हमको उससे एक कौड़ी नहीं चाहिए, ऐसा कर ऐसा तय किया, ठीक है, बिल्कुल ये ठीक हो गया। उसमें हमको संतोष, मैंने अपने मन को संतुष्टि के लिए तो ये सब करता है, कौन करता है। तो वो इससे ज्यादा कुछ नहीं है, वो बहुत करोड़ों रुपए लगा है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा पैसा लगा, वो प्राप्त हो गए, लगा दिए। ऐसा हम चल रहे। आपने कहा बाबा कि आपको 75 में अनुभव हुआ और 5 साल आपको लगे अपना समृद्धि का डिजाइन बनाने करने के व्यक्त करने के लिए समय लगा जी। तो क्या ऐसा भी हो सकता है, उसके पहले हम करके देखा है, सर्वप्रथम 75 में जब तुरंत बाद एक वो भी सुनाया कथा, एक एसपी था यहाँ का आईजी, उनको ये पूरे बात सुनाया। वो हमको आशावादी का, वो आपको कहानी सुना चुका, तो ये सब बातें हो चुकी। वो उनको जो है ना, तो ये बात तो हम कन्वेंस कर दिए, आप निराशित होकर के क्या कर रहे हैं, ये एक अलग चीज, किन्तु इसमें तुम क्या कर सकते हो, वो तो हम बोध नहीं करा पाए। आज हम बोध करा पा रहे हैं। अच्छा, ये अंतर। अभी जो है ना डिमार्केशन में चीज से ही बताया, भाई आप प्रेरक हो सकते हैं, आप समझने के बाद प्रेरक तो हो ही सकते हैं। प्रेरक होने वाला क्या कार्यक्रम मनुष्य के पास रखा है रिसेप्ट करने का, क्योंकि कल्पनाशीलता रखा है, तदाकार होने वाली बात रखा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई मनुष्य अनुभव के बाद उसकी प्रमाणित करने की परिस्थिति बन नहीं पाए। वो तो इतिहास अलो नहीं करता है ना, हो आपका कोई इतिहास काम नहीं करेगा। अच्छा, विगत में कैसा जिया वो रहता है, वो कई बातों में होता है, कैसी बातों में नहीं होता है। अच्छा, ये बात बन मारता है।
मनुष्य के साथ, हर व्यक्ति के साथ वही वो तो रहेगा ही। अच्छा, उसके लिए अभी हम एक फार्मूला निकाला, नहीं प्रमाणित होने की जगह में मासक्त आने की बात, यदि हम कोई गलती करते हैं, गलती को हम सही में परिवर्तित कर सकते हैं, वो लोग रोग रहना स्वीकार करेंगे। इसके लिए पहले का भी बहुत सारा तालमेल है। ये समझा नहीं बाबा, क्या कह रहे हैं आज कोई गलती कर रहे हैं? कौन? जो अनुभव युक्त व्यक्ति है, वो अनुभव करना है वह व्यक्ति है। ठीक है, अनुभव करना है वो व्यक्ति गलती करता है, वो अनुभव के बाद गलती छोड़ सकता है। छोड़ने पर क्या होता है? छोड़ने पर क्या होगी? वो डिजाइन अलग होगा, गलती का डिजाइन अलग होगा, वो डिजाइन को बदलना पड़ता है। जी नहीं, तब सब सारा अप्रिशिएट करता है। यही हुआ, यही वहाँ वहाँ भी ऐसे रिवर्स के नौकरी करते नहीं हो सकता, तो नौकरी क्या कर, नौकरी का क्या किया जाए? नौकरी का जो है जो आदमी अपने में जो स्वावलंबी हो करके हम शिक्षा दे सकते हैं, ऐसे में आ जाता है, वो वरी रहेगा, वो तो ठीक बात है, उनका मूल्यांकन अलग रहेगा। ठीक बात है, उसको सच है। अच्छा, वहाँ क्या है, और एक मॉडल वहाँ वही बना था, वहाँ छत्तीसगढ़ में एक कलेक्टर है, वो 1 रुपया लेता है, बाकी सब सरकार को दान देते हैं। अच्छा, तो कहाँ से खाते हैं? खाते पीते हैं वो, अपना घर से पर्याप्त है, वो इनकम टैक्स के चक्कर में वो हो गया होगा, ऐसा कुछ भी हो गया होगा, वो अलग रूट से है, वो इस रूट से तो ये ही प्रमाणित होने की। वही कलेक्टर है, उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, वो सब उनके पास रेफरेंस है। ये ठीक, वो कन्वेंस हुआ इस बात पर। अच्छा, हम 24 लोगों को पहले लिए थे, अभी 75 लोग हैं, तो वो 24 लोगों में से 4-6 लोग ऐसा सोच रहे हैं हम प्रमाणित हो सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात है, ये क्या है, प्रेरणा का फल है कि नहीं? क्या कहा जाए बताए, यदि ऐसा होता है, घटना तो है, बिल्कुल है, घटना चेक, बिल्कुल सही बात है। आप प्रेरणा भी दें तो किसी में अगर बात है तो वो प्रमाणित होगा ही आगे, वही बात, कोई वो जरूरी नहीं है, मुख्य बात यही है। इस पर काम कर सकते हैं, प्रमाणित से अपने को भी सोच सकते हैं, बिल्कुल, अपने को तो बाबा प्रमाणित होना है, प्रेरणा तक में तो बात बनेगी नहीं। प्रमाणित होने की एक ही विधि है बेटा, अनुभव में आ गया पूरा सह अस्तित्व, आप प्रमाणित होना संभव है, आप में बहुत ज्यादा जटिलता नहीं है, क्योंकि इनके पास भी जटिलता नहीं है, इसीलिए आप पार पा सकते हैं। ऐसा मैं सोचा, इनके पास भी बहुत सारा ग्रंथी नहीं है, आपके पास भी नहीं, इसको आप पहले से ही देख रहे हैं, वो अनुभव एक बार होना चाहिए, मूल बात वही, उसी की बात करनी है। अस्तित्व में अनुभव ही है सर्वशुभ का पैड को पूरा करता है, पूरा पूरा कर देता है सर्वशुभ, ये कितनी बड़ी बड़ी बात, सर्वशुभ माने ये धरती पर रहे, दूसरे धरती पर रहे, और तीसरे धरती पर, अनंत धरती पर, सबका कल्याण। कितना हाथ लंबा किए, बड़ी सुंदर बात है बाबा। इस धरती के हर एक कोने में बसा हुआ आदमी का कल्याण वो पूरा होता, एक आश्चर्य की बात है, इतनी लंबी चौड़ी सुंदर बात है, बात जो है ना, इतने तपस्वी हुए कैसे छुपके रहा, हम वही सोच सोच करके ही रहते हूँ, हमसे बहुत ज्यादा परिश्रम किए हैं बराबर लोग, हो सकता है बाबा, सही बात, हो सकता है किए, परिश्रम तो बहुत किए हम, बहुत बड़ी भारी तप नहीं किया है, अभ्यास किया है हमारा तरीके से, उसमें हम पा गए, अभी अब अपने ढंग से सभी करते हैं, कुछ भी से लोग अपना अपना तो लगा ही रहता है कुछ ना कुछ, अपने अपना नहीं लगे ऐसा कोई साधना होता ही नहीं है ना। उसमें क्या हो गए है, घिसी पिटी विधि से जितने भी एडिफिकेशन मॉडिफिकेशन के साथ आए उसको लोग जो है ना अपनाते हैं, ठीक है, उसमें वो केवल मरते तक जो है ना
वही वही चंदन लगाना, टीका लगाना, यही तक रह जाते हैं। हमारा ऐसा है, हुआ नहीं इतना ही बात। बात तो ऐसे तो बाबा, ये जो बात अभी आप कह रहे थे कि अनुभव होने के बावजूद प्रमाणित ना हो, उसमें इतिहास वगैरह का रोल है, वो वहां बनता नहीं। यदि यदि अनुकूल परिस्थिति नहीं, संसार को जरूरत नहीं, तब कहीं कैसा अनुभव होगा, क्या प्रमाणित करेगा। अभी हम ही पचास वर्ष पहले ये परिस्थिति नहीं थी, इतना लोग जल्दी स्वीकारने के लिए तैयारी, हमारे सामने की बात। और अभी जो है ना, हर व्यक्ति मैंने कम से कम 75% व्यक्ति, 70% व्यक्ति, 60% व्यक्ति तो स्वीकारने के लिए तैयार। नहीं तो बाबा, ये आप कह रहे हैं कि संसार को जरूरत ना हो तो प्रमाणित कैसे होगी। पर ये जरूरत संसार की है कि व्यक्ति की भी है। जो व्यक्ति देता पद में अपने में अपने संतुष्टि मिल गई तो उसको जीने में दोगलापन नहीं लगेगा बाबा। जीने में जो है ना, जीने में प्रमाणित करना पड़ेगा ना भाई। हाँ। जीने की स्टाइल परंपरा की रहती है, कोई ना कोई परंपरा में रहता ही है, जीने की स्टाइल। उन परंपरा को छोड़ करके समाधान समृद्धि पूर्वक जीने वाले अपने अपनाना पड़ेगा। वो वहां तक आ नहीं पाता, उसके पहले से शरीर पूरा हो जाता है। अच्छा, आप कह रहे हैं उसके पहले शरीर पूरा हो जाता है। शरीर के साथ तो यह जीना बनता है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है। तो मतलब आपका ये कहना है कि दृष्टा पद में आने के बाद वो प्रयासरत तो था, पूरा नहीं करता। हाँ, ऐसे ही मेरा भी सोचना है। ऐसा नहीं होता ना कि दृष्टा पद के बाद प्रयास भी ना हो, प्रयास नहीं रहे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर प्रयास नहीं होगा तो अंदर एक पीड़ा तो रहेगी, उसी का तो सलूशन है ये प्रमाण। ठीक है, प्रमाण की जरूरत क्या है, वही तो उसी को जो है ना, हमारे अध्यात्मवाद इस जगह में डील किए हैं। स्वांत सुख, स्वांत सुख के बारे में कहा, अपन क्या कहते हैं, सर्वशुभ में स्वशुभ समाही रहती है। नहीं तो बाबा, जिसको आप, हाँ ठीक ठीक सुना, सर्वशुभ में स्वशुभ समाया, अब दोनों को सोच लो। नहीं, दो स्टेप्स हैं। देखिए, मुझको अनुभव हुआ, वही सर्वशुभ में काम करना पड़ेगा ना। नहीं सुनिए बाबा, एक बार, हाँ ठीक कह रहे हैं। पहला स्टेप है कि मैं समाधान समृद्धि पूर्वक जीऊं, ये पहला स्टेप है प्रमाण का। उसके बाद मैं सार्वभौम व्यवस्था के लिए काम करूं, ये आगे का स्टेप है। वैसे तो पहला स्टेप जो है वो मेरी जरूरत तो बनेगा ही, बनेगा ही। आप यदि, हम सब है, हम यदि मॉडल नहीं है तो संसार कैसे विश्वास करेगा। ठीक बात, ठीक बात, ये सब बकवास हो जाएगी। ठीक बात। तो उसके इसलिए अपना मॉडल को सुदृढ़ बनाना बहुत जरूरी। इसमें हम बहुत अच्छी ढंग से सोचा बाबा, लोगों का सभी मानव किस मॉडल में जी सकता है। अभी अपन घंटा बजाना शुरू कर दिया, हर परिवार जो है समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकता है। उसके बाद कौन सा बात, लोहार का चोट हो गया ना, लोहारा से जगह से अपने जगह के लिए मोड़ते हैं, याद है। हाँ, लोहारी के पास से कहाँ कहाँ आपके जगह, उसका नाम कुछ और है लेकिन वो लोहार उसका मतलब है। ठीक है, उसका मतलब लोहार है, अगरिया गाँव है। लोहारों को अगर यह कहते, आप बता रहे थे पिछली बार। तो बाबा ये बताइए, जैसे आपने कहा कि व्यक्ति का जो उसका इतिहास है वो कई बार थोड़ा बाधक हो सकता है, इसी तरह बाधक नहीं होता, मतलब मुश्किल बना सकता है। अच्छी तरह बताइए, संसार हमको सहज तत्व से ही समझ में आता है, अनुभव में आ जाता है। समझ में समझाने की विधि तो अपन तैयार करें। ठीक बात है। अनुभव तो हर व्यक्ति करेगा। ठीक बात है। एक व्यक्ति के हक को अपन अपहरण नहीं कर सकते, ऐसा मैं यहाँ तक हम पहुंच चुका। तो व्यक्ति अनुभव करेगा।
अनुभव करने की बात, प्रमाणित करने की बात, प्रमाणित करने की बात आता है तो वो जीना ही पड़ेगा। जीना पड़ता है तो क्या होगा, उसमें समाधान समृद्धि तो अनुभव से समाधान रहता है। और समझने के लिए श्रम करना ही पड़ेगा, ऐसा भाई है। तो बाबा जैसे ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, जो सामाजिक परिस्थिति है उसकी वजह से कई बार एक परिवार एक गति अलग है। हाँ। गति अलग है, ये मॉडल निर्देशकार्थ में है। हाँ, वो तो ठीक है। तो गति सामाजिक परिस्थिति पे डिपेंड करती है किसी को। हाँ। गति सामाजिक परिस्थिति, अभी जैसा 50 वर्ष से जो शिफ्ट हुआ है वो आपको बता ही दिए। अभी गति ज्यादा नहीं, उसमें दो बातें बाबा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अभी मनुष्य इसकी जरूरत ज्यादा देख रहा है। हाँ। वो तो एक गति है। हाँ। लेकिन वो गति बनाया, वो तो बना है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन समृद्धि के मॉडल्स अभी की आर्थिक व्यवस्था में निकाल पाना एक परिवार के लिए वो और दुरूह भी है, ऐसा भी लगता है। कुछ उसमें जो है ना, एक ही बात है, समाधान के पर। हाँ। समृद्धि की बात आती है। हाँ। हमारा आवश्यकता है निश्चित रहती है परिवार की। हुँ। परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना, इतने तो बात नहीं। लेकिन उत्पादन करने के लिए जो अभी की आर्थिक व्यवस्था है वो कोई भी अभी देखो टेक्निकली कोई उत्पादन करे, अभी जैसा एक बार चर्चा हुई वो जो लाते लगा अभी उसमें वो रखा शत है, उसको रिप्लेस करने के लिए गोमूत्र को उपयोग करना ये प्रस्ताव रखा, उसका जाकर के कानपुर में प्रयोग हुआ, वो 300 मिलीलीटर गोमूत्र को डाल करके इसको जलाया है, इतने ही बड़ा कर, इतने ही प्रकाश कर, अभी इसमें जलसा प्रकाश ऐसा तीन दिन चला, ऐसा वो कहता है। वो 24 घंटा चलाया, 8 घंटा चलाया, नहीं डिटेल में गया नहीं, वो अभी शर्मा जी की ठीक है। उसके यदि ऐसा होता है तो ऐसे को 2 दर्जन बना करके हमारे पास भेजते, उसमें एक सिंक का एक वायर दिया है, उसको देगा आधा मिलीमीटर, क्या सुना, आधा मिलीमीटर मिलीमीटर की एक साइज की वो एक जिंक होती है। मैंने कहा कि उसको थोड़ा सा मोटा भी देख कर देखो, कुछ ज्यादा दिन तक लास्टिंग हो जाए, ऐसा कुछ करो। वो कई प्रकार से प्रयोग हो रहा है, प्रयोग करके 24 लैंप के लिए हम कहा बुक किया, ऐसा बहुत सारा काम कर सकते हैं। पहला जो ये है सबके है ना, बत्ती जल सके बिना ये आपराधिक प्रवृत्ति के लिए छोड़ के बत्ती जल सके। सूर्य ऊर्जा में क्या है, सूरज निकलता है तो सूर्य ऊर्जा, नहीं तो सूर्य ऊर्जा नहीं है। जो ठंडी ऋतु में ज्यादा चाहिए है सूर्य ऊर्जा, ठंडी ऋतु में निकलता ही नहीं, बरसात में निकलता है। कभी परसों के दिन 2 दिन पहले काफी बादल छाया था, वो पानी गर्म हुआ ही नहीं, ये भी देखे, ये सब पंचायत है वो प्रकाश के लिए एक वो। अब उसके लिए क्या किया जाए, विंडमिल लगाया जाए हर जगह में, तो 4 घंटे से ले कम से कम 4 घंटा विंडमिल चलता है सब जगह में, और चल करके 12 घंटे तक 16 घंटे तक भी चलता है, 18 घंटे तक भी चलता है, उसको कलेक्ट कर लिया उतने में से, ये सब बातें हो जाता है। बाकी बैठे बायो डीजल बना लिया, गाड़ी चलाना बन जाता है, यहाँ तक ये अपन प्रॉब्लम दे रहे हैं। इसको जो ना हर व्यक्ति कर सकता है ना, कोई ना कोई भाग को कोई ना कोई टुकड़े में ये सब बात को कर सकते है, श्रम कर सकते हैं ना, इसके लिए जमीन जरूरत नहीं है, ना गौशाला जरूरत है, ये आदमी की जरूरत है। ये तो कब से अपन बात कर रहे हैं, तो
तो आप जो ये कहते हैं कि अगर समाधान हुआ तो समृद्धि का तरीका निकलेगा ही। हाँ, पक्का। हमारा जैसे मूड आदमी को निकल गया तो संसार में कई को निकलेगा या नहीं भाई? नहीं बाबा, जैसे ये सब उदाहरण आप दे रहे हैं, हाँ, इसमें इसका आविष्कार करना एक बात है। आविष्कार एक अलग चीज है भाई। हाँ। अब जो प्राकृतिक रूप में हो सकता है एक दूसरे की प्रेरणा से। हाँ। अभी जैसा ये सूर्य ऊर्जा वाले एक बनाए हैं ऐसे, क्या